अभी आपके गांव में क्या समस्या देखने को मिल रहा है? समस्या का तो पूरा अंबार है। आंगनबाड़ी इतना खराब हो चुका है कि यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा है पूरा। अभी कहाँ पे शिफ्ट किए हैं? ये आंगनबाड़ी ये प्राइमरी स्कूल के एक रूम में यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। लगभग 10-11 महीने हो चुका है। जी आपका परिचय? कार्तिक राम राखिया, ग्राम ठरकपुर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? आंगनबाड़ी में। दोनों? दोनों। तो आते हैं आंगनबाड़ी? नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इसको खराब हो गया है, छत गिर रहा है। कितना दिन हो गया? अब साल भर हो गया है। तो अभी कहाँ व्यवस्था किया गया है या कैसे? हाँ, स्कूल के बगल में किया गया है और जो गांव से दूर पड़ता है। तो अभी आपके बच्चे को भेजते हैं कि नहीं भेजते? नहीं भेजता। हितग्राही लगभग इस आंगनबाड़ी से लाभान्वित है? 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में यहाँ लगभग 17 बच्चे हैं और 6 माह से 3 वर्ष के बीच में 22 बच्चे हैं। इसके लिए कहीं पे शिकायत? आंगनबाड़ी के पर्यवेक्षक के यहाँ शिकायत की गई थी, सूचना दी गई थी लगभग 4 साल पहले। किन के द्वारा किया गया था? हमारी आंगनबाड़ी सहायिका के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा दिया गया था। क्या आश्वासन दिया गया था उनके द्वारा? जल्दी ही कार्रवाई करेंगे बोल के बनाएंगे बोल के ऐसा किया गया था, और अन्यत्र किसी जगह मतलब शिफ्ट कर लो बोल के ऐसा आदेश दिया गया था उनके द्वारा। आंगनबाड़ी भवन पूर्ण रूप से जर्जर है, उस विषय को अगर देखते हुए आप किस प्रकार प्रयास करेंगे? करूंगा मैं, जब मीटिंग होगा तो उनके विषय में कहूंगा, और बाल विकास जो उनका मुख्यालय है वहाँ भी उनको अप्लीमेंट करूंगा। क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो अच्छा से आंगनबाड़ी बने। आंगनबाड़ी की इस समस्या को देखते हुए गांव के सरपंच से इस विषय पर मुलाकात की और जल्द से जल्द ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर परियोजना अधिकारी के पास आवेदन भिजवाने तथा इस विषय पर कार्यवाही करने के लिए कहा जाएगा, और आगे इस आंगनबाड़ी के संबंध में जो भी प्रक्रिया होती है उस पर मैं अपने अगले वीडियो में अपडेट देता रहूँगा। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।